हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा भाई ओव्यूल और ओव्यूल की स्ट्रक्चर तक। आज का जो अपना टॉपिक है भाई मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस ये क्या चीज है भाई, ये अब हमको समझना है। मैंने आपको बता दी जेनेसिस वर्ड जहां पे भी आएगा, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और आगे अगर अपने पास मेगास्पोर इसके आगे अगर लगा तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये इसमें क्या चीज अपने पास बनेगी, मेगास्पोर बनेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, मेगास्पोर। फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल किससे बनेगा, मेगास्पोर अपने पास मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे, और कैसे बनेंगे, थ्रो रिडक्शनल या फिर मियोसिस डिवीजन, मियोसिस बोलो या फिर मियोटिक बोलो, दोनों सेम चीज है भाई, दोनों क्या है अपने पास रिडक्शनल डिवीजन है। तो अपने पास मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोटिक डिवीजन। तो ये अपने पास मेगास्पोरोजेनेसिस हमको आज पढ़नी है भाई। पहले हमने पढ़ा था भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि किससे रिलेटेड थी, मेल पार्ट से। अपने पास ये किससे रिलेटेड है भाई, फीमेल पार्ट से। उस केस में क्या था भाई, माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करके क्या बना रहे थे भाई, अपने पास पोलन ग्रेन बना रहे थे, और यहाँ पे अपने पास मेगास्पोर क्या बनाएंगे भाई, अपने पास एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। वहां पर जो भाई अपने पास था पोलन ग्रेन किसको डिनोट कर रहा था, मेल गैमेटोफाइट को। अपने पास जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बनेगा, ये किसको डिनोट करेगा भाई, फीमेल गैमेटोफाइट को डिनोट करेगा भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अब देखते हैं प्रोसेस क्या चीज है, और माइक्रोस जो अपने पास में मेगास्पोर मदर सेल वो क्या चीज है भाई। कल की क्लास में मैंने आपको बताया, जैसे अपने पास ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक मास होता है सेल्स का, गुच्छा होता है, वो आपको बताया था क्या होता है, वो न्यूसेलस होता है। और ओव्यूल के दो एंड मैंने आपको बताया था, एक था अपने पास माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा अपने पास क्या था भाई, चालाजा एंड था, ये हमने कल पढ़ा था भाई। तो अब क्या होता है, जो ये न्यूसेलस की सेल है, इनमें से कोई एक सेल जो अपने पास माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो क्या करेगी भाई, डिफरेंशिएट हो जाएगी, अपना रूप चेंज कर लेगी, अपना रूपांतरण कर लेगी। तो डिफरेंशिएशन जब हो जाएगी भाई, वो सेल क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, डेंस होता है, विद प्रेडोमिनेंट न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस भी अलग से दिखता है। तो अपने पास हमको क्या लेके चलनी भाई, एक मेगास्पोर मदर सेल लेके चलनी है, और उससे हम क्या बनाएंगे भाई, आगे मेगास्पोर बनाएंगे, वो देखो कैसे। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कौन सा डिवीजन होएगा, मियोटिक डिवीजन होएगा, मियोसिस होएगा, ठीक है भाई, या फिर रिडक्शनल डिवीजन होएगा। जब भी रिडक्शनल डिवीजन होता, मान लो अपने पास क्या भाई, मेगास्पोर मदर सेल अपने पास, तो ये आगे क्या करेगी भाई, जो मियोसिस या मियोटिक डिवीजन अपने पास, ये दो स्टेप में अपने पास होता भाई, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ये हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। जब मियोसिस वन अपनी कंप्लीट हो जाती है, तो एक सेल से दो सेल बन जाती है भाई, फिर आगे मियोसिस टू जब होती तो आगे दो से क्या बन जाती, चार सेल बन जाती है भाई। तो जैसे ही अपने पास जो मेगास्पोर मदर सेल अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी, तो उसके पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगी भाई, चार सेल बन जाएगी। और ये अपने आपको इस चीज में अरेंज कर लेती भाई, टेट्राड की फॉर्म में अरेंज कर लेती है, चारों जुड़ी हुई होती है, ऐसे लीनियर टेट्राड इसको बोलेंगे, लीनियर टेट्राड। और कैसा टेट्राड भाई, मेगास्पोर टेट्राड। तो लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बन गया, टेट्राड क्योंकि इसके अंदर चार है, और मेगास्पोर क्योंकि ये मेगास्पोर है, तो अपने पास चार मेगास्पोर बन गया भाई, एक मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है भाई। अब हमको पढ़ना भाई, जो अपने पास मेगास्पोर बन गया, ये आगे एम्ब्रियो सैक में कैसे डेवलप होता है, ये हमको देखना भाई। अपने पास क्या है भाई, न्यूसेलस के अंदर मैंने बताया भाई, अपने पास क्या बन गया, मेगास्पोर बन गया, और वो कितने है भाई, चार है, ऐसे ये चार मैंने बना दिए भाई, क्या चीज बना दी, ये अपने पास चार मेगास्पोर बना दी। अब ये आगे किस में डेवलप होंगे भाई, एम्ब्रियो सैक बनाने का काम करेंगे, और मोस्टली प्लांट के अंदर क्या होता है भाई, इन चारों टेट्राड्स में से जो चार में चार मेगास्पोर अपने पास, उनमें से केवल एक पार्टिसिपेट करता है, वो दो भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली में क्या करते हैं, एक अकेला करता है। और इस बेस पे अपने पास एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के टाइप पढ़ने हमको, वो तीन टाइप अपने पास होते हैं भाई। अगर इन चार मेगास्पोर में से एक अकेला, एक सिंगल मेगास्पोर पार्टिसिपेट करे किस चीज में, एम्ब्रियो सैक को बनाने में, तो उसको बोलते हैं भाई मोनोस्पोरिक, क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, या फिर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक उसको बोलेंगे।
अगर यहाँ पे अपने पास में दो मेगास्पोर अपने पास हेल्प कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक बनाने में तो उसको बोलते हैं बाइस्पोरिक, और अगर चारों अपने पास पार्टिसिपेट करें तो उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट या फिर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। सबसे ज्यादा जो मिलता है कौन सा मिलता है, मोनोस्पोरिक मिलता है। अब हमको क्या पढ़ना है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पढ़ना है। ये कैसे बनता है, ये देखो अपने पास क्या आ गया भाई, ये अपने पास क्या है ओव्यूल है, इसके दो एंड मैंने आपको बताया कौन कौन से, माइक्रोपाइलर और चालाजा एंड, ये आपको कभी भूलने नहीं भाई, ऊपर की तरफ अपने पास माइक्रोपाइलर और नीचे की तरफ चालाजा एंड, क्योंकि हमने अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो भी है भाई अपने पास किसके बारे में डिस्कस कर रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ रखा, और हमने पढ़ा भी माइक्रोपाइलर का होता है टिप पे होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब अपने पास मैंने आपको बता दी मोस्टली में कौन सा आएगा मोनोस्पोरिक, और मोनोस्पोरिक में क्या करेगा सिर्फ एक अकेला मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा किसमें, आगे एम्ब्रियो सैक बनाने में। तो बाकी के जो तीनों अपने पास देखो अगर मैं इसको अरेंज करूं ऐसे, अपने पास चार जो बने थे टेट्राड बने थे, इनमें से तीन क्या हो जाएंगे डिजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा फंक्शनल, और वो फंक्शनल किसकी तरफ बचेगा, वो बचेगा अपने पास चालाजा एंड की तरफ बचेगा, ठीक है भाई। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले क्या हो जाएंगे डिजेनरेट। अब देखो भाई ये जो अपने पास मेगास्पोर बना है ये आगे कैसे डिवाइड करेगा, सबसे पहले ये पहला डिवीजन जब करेगा भाई, पहला यहाँ पे देखो भाई इसकी प्लॉइड अपने पास क्या है एन है, क्योंकि ये किसका रिजल्ट बना है भाई, किसके अकॉर्डिंग बना है ये, मियोसिस के अकॉर्डिंग बना है। जो अपने पास मेगास्पोर मदर सेल थी भाई उसकी प्लॉइड होती है डिप्लॉइड, और जो अपने पास मेगास्पोर जो बना है उसकी प्लॉइड क्या आएगी भाई अपने पास हैप्लॉइड होगी, तो अपने पास ये क्या है भाई हैप्लॉइड है। अब अपने पास यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा भाई माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक, ठीक है भाई। जब पहला माइटोटिक डिवीजन अपने पास होगा तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे दो। अब जितने भी यहाँ पे जो अपने पास डिवीजन होगा वो क्या होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये है भाई उसके मतलब उसके तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद होगी, और थोड़ा टाइम कितना भी जब वहाँ पे एट न्यूक्लियाई बन जाएंगे तब जाके अपने पास सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो अपने पास पहला जैसे पहला मियोटिक डिवीजन हो तो एक से दो बन गए भी, फिर ये दोनों क्या करेंगे भाई एक दूसरे एंड पे चले जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाऊं तो अगर ऐसे ये अपने पास क्या है मेगास्पोर है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए भाई दो, और वो दोनों अपोजिट साइड चले गए। फिर आगे एक डिवीजन और करेंगे तो दो से कितने बन जाएंगे चार, फिर एक और माइटोटिक डिवीजन आएगा तो अपने पास कितने बन जाएगा भाई टोटल आठ न्यूक्लियाई बन जाते हैं। लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती तो अपने पास ये एक ही सेल के अंदर क्या है आठ न्यूक्लियस है। अब जब ये आठ न्यूक्लियस अपने पास बन जाएंगे फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई सेल वॉल फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी ये देखना है हमको। देखो भाई अपने पास कितनी सेल टोटल हो, सेल एक है न्यूक्लियाई कितनी है आठ, इन आठ में से जो अपने पास तीन न्यूक्लियाई है ये चले जाएंगे भाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ऊपर की तरफ, और ये अपने पास क्या बना देंगे भाई एग अपरेटस बना देंगे, एग अपरेटस बना देंगे। तीन इनमें से जो न्यूक्लियाई अपने पास नीचे की तरफ जाएंगे किसकी तरफ चालाजा एंड की तरफ चले जाएंगे भाई, और वो अपने पास क्या बना देंगे भाई एंटीपोडल सेल बना देंगे। देखो भाई ये तीन ऊपर चले गए, ऊपर तीन सेल बन गई जिसको हमने नाम दे दिया एग अपरेटस, ये तीन अपने पास नीचे चले गए, ये अपने पास तीन नीचे चले गए और तीन सेल नीचे की तरफ बना दी, उनको नाम दे दिया एंटीपोडल सेल। अपने पास ये दो जो बच गए भाई, ये दो कहाँ पे आ जाएंगे भाई सेंटर में आ जाएंगे, और इनको बोल दिया भाई सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई अपने पास बोल दिया भाई, ठीक है भाई। ये था अपने पास यहाँ तक। अब देखो भाई अब इनको अलग अलग समझते हैं, जो अपने पास भाई तीन एंटीपोडल सेल बनी है वो किसकी तरफ बनी है चालाजा की तरफ, अपने पास अभी ये जो एग अपरेटस नाम की चीज है इसमें क्या क्या भाई तीन सेल है टोटल, ठीक है। इन तीन सेल में से एक अपने पास होती है एग सेल, क्या होती है एक एग सेल होती है, और दो अपने पास क्या होती है भाई सिनर्जिड सेल इनको बोलते हैं, या फिर इनको हेल्पर सेल भी बोल दिया जाता है, या फिर इनको बोलते भाई कोऑपरेटिव सेल्स भी बोला जाता है। ये नाम क्यों दिए गए भाई, देखो जो अपने पास ऊपर की तरफ यहाँ पे जो बीच वाली है भाई ये सेंट्रल सेल है, वो ये वाली सेंट्रल सेल है, ये जो अपने पास एक एग अपरेटस है, और दो अपने पास क्या है सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड सेल जो अपने पास है इनके पास एक स्पेशल अपरेटस होता है स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं भाई फिलिफॉर्म अपरेटस, क्या बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस, जो कि हेल्प करते हैं किसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जो अपने पास पोलन ट्यूब आएगी उसकी एंट्री करवाने में कौन हेल्प करता है अपने पास फिलिफॉर्म अपरेटस हेल्प करता है, और वो कौन सी सेल्स के पास होता है सिनर्जिड सेल के पास, इसलिए इसको बोलते हैं भाई हेल्पर सेल, ये हेल्प करती है पोलन ट्यूब की उसकी एंट्री करवाने।
तो ये था भाई एग अपरेटस के बारे में। तीन सेल अपने पास नीचे की तरफ आ गई जिसको बोल दिया एंटीपोडल सेल। अपने पास यहाँ पे भाई बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, वो आपको मैं जरूर बताता हूँ अभी। देखो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है भाई, जो चालाजा एंड है, चालाजा एंड है उसकी तरफ क्या आएगी भाई, एंटीपोडल सेल होगी। ये जरूर याद आपको रखना है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है भाई। और जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ अपने पास क्या है भाई, एग अपरेटस है। ये चीज अपने पास है भाई। अगर इनमें क्या होता है भाई, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई क्या करते हैं एंटीपोडल को माइक्रोपाइलर की तरफ बताते हैं, कई इसको इसकी तरफ बताते हैं। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इनमें से एक मैं आपको याद करने का बता रहा हूं। अगर किसी को पहले पता है भाई, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने पास ये एक अगर याद हो जाए, अगर मेरे को पता है ये याद रहे भाई, एंटीपोडल सेल जो है अपने पास चालाजा की तरफ होती है, तो दूसरी अपने आप याद रह जाएगी भाई, मतलब कि माइक्रोपाइलर की तरफ क्या भाई अपने पास एग अपरेटस है। ठीक है भाई, अब देखो भाई एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है भाई अपोजिट, या अगर मैं सॉरी हिंदी में बात करूं तो विरोधी, क्या बोलेंगे भाई विरोधी। तो एंटी को रिलेट करोगे किससे, एंटीपोडल सेल से। ठीक है, तो ये विरोधी क्या हो गया, एंटीपोडल। और अगर अपने पास कोई विरोधी आता भाई, विरोधी आता तो हम उसको क्या बोलते भाई, चला जा। और चला जा किससे रिलेट कर देंगे भाई, चला जा। तो ये अपने पास एक टेक्निक है भाई, अपने पास एक सिंपल लैंग्वेज बोलो भाई कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एंटीपोडल सेल अपने पास किसकी तरफ आ जाएगी, चला जा एंड की तरफ आ जाएगी, क्योंकि हम विरोधी को ऐसे बोल सकते भाई चला जा, कोई अपना खास है तो उसको हम ऐसे नहीं बोलते। ठीक है भाई, तो ये बात है बस याद रखने के लिए, अच्छी बात अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो इसमें। ठीक है भाई, तो ये था अपने पास भाई डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल के बारे में। अब मैंने आपको बताया ये फाइनली क्या बन गया अपने पास, एम्ब्रियो सेक बन गया। इसके अंदर तीन सेल ऊपर हैं, तीन सेल अपने पास भाई नीचे हैं, और बीच में दो सेंट्रल न्यूक्लियाई है भाई। देखो भाई तीन ये जो तीन चालाजा की तरफ है, इनको हमने बोल दिया भाई एंटीपोडल सेल, ऊपर वालियों को बोल दिया सिनर्जिड, और बीच एक सेंटर जो इन तीनों में से एक है जो एग सेल है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी सेल वो होती है सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ी सेल उसका नाम दे दिया सेंट्रल सेल। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है इनकी प्लोइडी भी क्या है भाई, एन और एन है, हैप्लोइड है सारी की सारी। यहाँ पे प्लोइडी किसकी है, हैप्लोइड है सारी की सारी अपने पास न्यूक्लियस की। तो अपने पास जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है अपने पास, ये दोनों ये क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। कब, बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये क्या करेंगे भाई, फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज करने के बाद अगर ये दोनों एन एन है, दोनों हैप्लोइड है, तो एक ऐसी ऐसा न्यूक्लियस बना देंगे जिसकी प्लोइडी क्या होगी भाई, 2n होएगी। आगे ये क्या करेगी, जब भी अपने पास मेल गैमेट आएंगे पोलन ग्रेन से आगे पढ़ेंगे, तो उसके साथ फ्यूज करेंगे दो न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस आके क्या करेगा भाई, इनके साथ कंबाइन करेगा, और अपने पास यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलते हैं भाई एंडोस्पर्म बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, और जिसकी प्लोइडी क्या होती है भाई, 3n होती है, ट्रिप्लोइड होती है। तो ये था भाई अपने पास एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट के बारे में, आज इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे भाई पोलिनेशन के बारे में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, ओके बाय।